अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में, देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, डराने का, धमकाने का और वसूली का। ये इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे, और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया, नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया, इनकी सरकार ने सर्वविदित है, और उसके विपरीत जो पीएम केयर फंड की एक जानकारी देश के सामने नहीं आई। जिन उद्योगपतियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया उसका क्या हुआ अल्टीमेटली, वो भी तो जैसा वसूली ये हुई वैसी वसूली का माध्यम तो नहीं था, वैसा ही वसूली का माध्यम तो नहीं था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कई पिटीशन लगी है। मैं मानता हूं कि वो भी एक दिन सामने आएगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी मेरे आगे पूछे कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार रहित देश बनाऊंगा, स्विस बैंक की लिस्ट लाऊंगा, 15-15 लाख डालूंगा, ये ऐसे नारे दिए थे करप्शन के अगेंस्ट। कांग्रेस का एक एक नेता जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, स्विस बैंक में इन्हीं के पैसे हैं, ये क्या हुआ और निकला क्या, ये देश जाने। साथियों, इसके विपरीत हमने गारंटियों की बात की, हो चाहे खाद्यान्न की गारंटी हो, भोजन का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भूमि अधिग्रहण का अधिकार हो, वन का अधिकार हो, अधिकार संपन्न हमने देश बनाया। हमने अब निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले, कांग्रेस पार्टी अधिकार बना के देगी, हर हालत में होगा। दूसरा, हमने निर्णय लिया है कि 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया पर युवा को, जैसे उसने ग्रेजुएशन किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर युवा को ये सहायता 1 लाख रुपए की एक साल में देंगे। जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री लाया, कोई किसी प्रकार की ड्यू डिलीजेंस नहीं, सिर्फ डिग्री माध्यम है उसका। तीसरा, हम बहनों को, गरीब बहनों को 8,500 रुपया महीना देंगे। केंद्र की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसमें सामाजिक न्याय में महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब महिलाओं की ताकत को, आर्थिक ताकत को, स्वावलंबता को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया, 8,500, 8,300, 400, 500 रुपया एग्जैक्ट उसमें आएगा, तो ये हर महीने बहनों को मिलेंगे। 1 लाख रुपया ग्रेजुएशन जैसे ही हमारे युवा ने किया उसको मिलेंगे। किसानों की हम फिर से सहायता करना चाहते हैं, समर्थन मूल्य के साथ उनकी के कर्ज में माफी होगी। हमारी नीति हमेशा उद्योगपतियों को जो 16 लाख करोड़ रुपए की सहायता नरेंद्र मोदी सरकार ने की और वो पीएम केयर फंड में वापस लिया या इस बांड योजना में उनसे वापस लिया, इस करप्शन को करने की कोशिश की। कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, कांग्रेस सहायता करेगी कि किसानों के ऋण माफी करे उद्योगपतियों के बजाय। देश में हर गरीब व्यक्ति के पास देश के संसाधन पहुंचने चाहिए, इस योजना के अंतर्गत हमने, इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये भावना व्यक्त की। आज राहुल गांधी जी बंबई में बहुत बड़े ऐलान करने वाले हैं, जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर की हुई, उसके अंतर्गत जो बातें उन्होंने की और भारत का आने वाले 5 साल का, 8 साल का, 20 साल का विजन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरे को दृष्टि पत्र के रूप में हम बंबई में आज शाम को 6 बजे राहुल गांधी जी और इंडिया के तमाम नेता एकत्रित होकर अपनी बात कहेंगे।